शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नहीं मेरा नाम है मोहसिन खान और मेरा नाम है ताह हुसैन। मेरा नाम है सुनील। तो आप सब देख रहे हैं दी रिएक्टर्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माजरत के साथ आपसे एक माजरत करना चाहते हैं कि हम बहुत टाइम के बाद आपसे टाइम बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे मिल रहे हैं और आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। तो आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है, तो बगैर कोई टाइम जाया करे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो का क्या नाम है वो भी भाई को बता दें, ऐसे पता तो होता है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे चैनल को ये जरूरी था। तो जब भी आपको वीडियो का नाम नहीं बताया हमने, बोला पहले ये बता दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, हमारे लास्ट में क्लिक कर दें, उसको भी फॉलो करें। तो भाई वीडियो का नाम क्या था भाई? रियलिटी ऑफ योगी आदित्यनाथ। तो हम देखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ की रियलिटी है क्या, योगी आदित्यनाथ कौन है क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ भाई, बगैर कोई टाइम जाया करें, बहुत कीमती टाइम है हमारे व्यूअर्स का, ज्यादा रुकते नहीं है वो लोग वीडियो पे। तो देखते हैं भाई क्या सीन। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो तालियां हो जाए उन लोगों के लिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट और विकास के नाम पे वोट दिया था, ये सोच के वोट दिया था कि वो क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल फेंकेंगे, करप्शन को बाहर निकाल फेंकेंगे। मैं इतने महीनों से इनके सारे झूठ, इनके सारे फेक न्यूज, इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे मैं प्रूफ दिखाने के बाद भी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब सच्चाई सबके सामने है, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन चुके हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या प्रॉमिस किया था। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा, और एक साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाए, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। शर्म आनी चाहिए आपको प्रधान सेवक जी, इतना सीधा सीधा झूठ बोलते हो जनता के सामने। इतने सीधे आपने बोला शुद्धि की शुरुआत करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, 3 राइट करवाने के केसेस हैं, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, 2 राइट करवाने के भी डेडली वेपन के साथ केसेस हैं। वैसे तो मैं अगर इनके सारे चार्जेस पढ़ने बैठ गया तो पूरा 10 मिनट तक चार्जेस ही पढ़ते रह जाऊंगा, इनके कैसे कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर। तो क्या आपकी शुद्धि की शुरुआत इसी से ही होगी? आइए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की थोड़ी और अचीवमेंट्स देखते हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा, तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अच्छा मतलब ये वो ही शाहरुख खान का मैच कर दिया भाई, वो खुशबू पांडे वाला नहीं टाइप, वही बंदा लग रहा है मुझे, मतलब मुसलमानों से खास छेड़े वाले, खास छेड़े बस वही मुझे। गलत है यार, क्या कैसे समझाएं आप लोगों को, गलत है ये चीज, गलत है बाबा। क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पीपल, वी आर डूइंग द मोस्ट डिसservice टू द नेशन। If there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation. शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है कई ऐसे लोग। जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है।
उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आज में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो, तो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए उसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। जिस दिन ये देश तो जितने भी मोदी सपोर्टर्स, एजुकेटेड मोदी सपोर्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप समझिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं, किस तरह से अपने झूमले दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर, हर सोशल मीडिया पे, कि आपको कुछ भी बिलीव करवा लेंगे, ये कुछ भी झूठ बना के आपको यकीन करवा देंगे कि वो सच है। अभी अगला प्रोपेगेंडा ये फैलाने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। क्रिमिनल पॉलिटिशियन को अब ये दिखाएंगे कि ये विकास के लिए कितनी बड़ी चीज होगी यूपी के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप जागिए और समझिए इनका। जो करप्ट पॉलिटिशियन है उसको दूध की नदी में डुबोएंगे और बाहर निकालेंगे, बोलेंगे ये अच्छा होगी, अच्छे काम कर रहा। मतलब ये कि यार इस टाइप जो दिमागी तवाजुन से, मतलब मुझे तो थोड़ा दिमागी तवाजुन का मसला लगता है। पॉलिटिशियन अगर कुछ ऐसा कर रहा हो ना, समझ लो मतलब अखलाकी तौर पे तबाह बर्बाद। मजहब को लेके भेदभाव और उसी में दरार डालना, इंतशार फैलाना, नफरत फैलाना, ये वो पूजा पांडे वाले ही किस हरकत है, ये एजेंडा क्या है। और कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फेसबुक पे फोटो आप देखते हो तो जरा दया करिए उस पे यकीन करने की, स्पेशली जब उसका बीजेपी, मोदी या हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना हो, चांसेस है कि वो झूठा ही होगा। अगर यकीन नहीं होता तो गूगल करके देख लीजिए, गूगल करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस गूगल पे टाइप करके देख लो और पता लग जाएगा कि वो सच है या नहीं है। तो इनके जाल से बच के रहिए, ब्रेन वॉश ना हुई इनके जाल में, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। तो भाई ये थी वीडियो, इसमें योगी साहब प्रो मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं और शाहरुख खान को भी कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है, हिंदुस्तान के मजहब के लिए, यानी हिंदुस्तान की थिंकिंग भी बताइए कि भाई इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान एक जैसे सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग इनका रहना है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं भाई, हिंदुस्तान बनने का जो, यानी जो एक आधा आधा भी कह सकते हो आप, आजाद कराने में हिंदुस्तान को काफी हक है मुसलमानों का, और आजादी से पहले भी यार हिस्ट्री है मुगलों की, क्या कितना कुछ नहीं किया हिंदुस्तान के लिए। तो ऐसे करेंगे तो यार कैसे चलेगा। वैसे तो योगी साहब एक मोदी की पार्टी में, अब उनका क्या सोच है क्या नहीं है वो तो वो खुद ही जानते हैं, लेकिन जो भाई साहब की वीडियो देख के लग रहा है वो टोटली गलत है। तो आप लोग की क्या राय है हमसे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करिएगा, और हमें अगर इसके मुताबिक कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है वो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो और किसी वीडियो पर अगर आप हमसे रिएक्शन भी दिलवाना चाहते हैं तो लिंक की सूरत में हमें बता दें कमेंट बॉक्स में जाके। तो हमें दीजिए इजाज़त इस अपने पन के साथ, ये अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।